कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुत देवी प्रणमामि वृंदाय तुलसी देवगई प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवर्तये नमो नमः तमादि देवम करुणा निदानम तमालवर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतम स्वरूपम जन प्रभजन्त मनुपेतम अपेतकृत्यम द्वैपायन विरहका तर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल्ला हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे गोपियों को घर घर में जाकर के मक्खन चूरी करता था। एक दिन मैया यशोदा सोच रही है मेरे लाला क्यों दूसरे घर में जाएगा, लगता है मेरे घर का मक्खन शायद खट्टा होगा और गोपियों का घर का मक्खन शायद मीठा होगा, इसलिए अपना घर की मक्खन छोड़ करके दूसरे दूसरे घर में ये चोरी चोरी करके खाता है। आज मैं स्वयं अपना घर में मक्खन बनाऊंगी, लगता है मेरे घर में जो दासियां हैं ना इनको ठीक से मक्खन बनाना नहीं आता, घर में बना दिया मक्खन कौन बना दिया बाबा सो गोपियां यहाँ पर बैठी। इसलिए मैया ने सोचा हैं मैं अपना घर में मक्खन बनाऊंगी। मैया जसोदा नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया थी, कितने गैया थी 9 लाख गैया थी और उसमें 8-10 विशेष गैया थी जो गैया का कान हो काला रंग की, कहते तो उसकी दूध से कमल फूल का खुशबू निकलती है। मैया अपना हाथों से दूध को निकाली और अच्छी तरह से गर्म की जैसे एकदम लाल बन जाए और उन्होंने जमा करके एकदम सवेरे सवेरे उठ करके अपना हाथों से दधि मंथन कर रही थी। बोले जानी जानी हितानी तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले गायन्ति तान गायत। बोले कृष्ण बचपन में जो जो उन्होंने लीला की है वो लीला को कीर्तन करते करते हाथों में काम और मुंह में ना, हाथों में काम और मुंह में ना, इसलिए भगवान की कीर्तन कर रही थी। बोले क्या गा रही थी, बोले गोविंद दामो दरमाध बेती गोविंद दामो दरमाध गोविंद दामो शरणार्थी
देखो अगर हाथों में काम करोगे काम नहीं सेवा, हर मुंह में भगवान का नाम लोग इसका फल किया है, फिर भगवान का दर्शन है। भैया जो सदा प्रतिबंधन कर रही थी, हाथों में कृष्ण सेवा कर रही थी, हर मुंह में क्या कर रही थी, गोपाल का कीर्तन। अभी कृष्ण का नींद खुल गई, कृष्ण पलंग के ऊपर से उतरे और मैया को आकर पीछे पकड़ लिया। बोले मैया मेरे को भूख लग रही है, मेरे को दूध पिला दे। मैया बोले लाला थोड़ी सी रुक जा, तेरे को दूध भी पिला दूंगी, हैं तेरे को मक्खन भी खिला दूंगी, लेकिन मेरे को दधि मंथन करने दे, क्योंकि दिन हो जाएगा ना ज्यादा, धूप निकल आए तो फिर वो मक्खन नहीं निकलता है, वो मक्खन नहीं निकलता। बोले थोड़ी सी रुक जा। बोले अभी मेरे को भूख लग रहा है। बोले बाद में दूध पिलाएगी। इतने में बोले मैया जी काम बंद नहीं करते ना, फिर मैया तो पिलाएगी नहीं। कृष्णा सामने घूम करके आए और जो रई था ना उसको दोनों हाथ से उन्होंने जोर करके पकड़ ली। मैया ने देखा लाला तो बड़ा दिमागदार है, तो उन्होंने कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। जब भगवान दूध किसका पान करे, और कृष्ण बड़े सुंदर दिखने में, कृष्णा को मैया जसोदा बारंबार चुंबन चुंबन कर रही थी और मैया के हृदय प्रेम में खिल रहा था, उसकी रोम रोम खिल रहा था मैया जसोदा के, हैं? इतने में ही उन्होंने चूल्हे के ऊपर में दूध गर्म करने के लिए बैठा रही थी। अभी दूध धीरे 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 गर्म होते होते ऊपर जा रहे हैं। बोले ऊपर करके कहाँ गिरने जा रही है? बोले चूल्हे में गिरने जा रही थी, हैं? बोले चूल्हे में क्यों गिरने जा रही थी? दूध सोच रही है मेरा जीवन तो बेकार है। बोले क्यों? बोले कृष्णा का पेट इतना बड़ा है ना, कभी उनका पेट भरने वाला नहीं। मैया स्तन में इतने दूध है, वो दूध भी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है मैया मेरे को कृष्ण सेवा में नहीं लगाएगी। अगर जो जीवन भगवान की सेवा में नहीं लग पाए, फिर ये जीवन वृथा है। क्या करना चाहिए? ये जीवन को खत्म कर दो। इसलिए वो आग में उतरते हुए आग में गिरने जा रही थी, लेकिन मैया जसोदा तो बड़ी दयालु, उसका नाम जसोदा। जसोदा मतलब क्या? सबको जो जस प्रदान करे, सबको जो आनंद प्रदान करे। बोले दूध उतरना नहीं, रुक जा, तेरे को भी मैं कृष्ण सेवा में लगाऊ। बोले कन्हैया थोड़ी गोद से उतर जा, वो दूध ऊपर रहा है। बोले आधा पेट भी भरा नहीं। बोले उतर जा, मेरे को भर पेट दूध पिला करके फिर जाया करो। मैया देखा इधर दूध भी उफन रहा है और उधर पूत भी उफन रहा है, ये दोनों ही उफन रहे हैं, अभी क्या करनी चाहिए? बोले पहले जो दूध उफन रहे ना उसको बंद करो, क्योंकि मेरे स्तन में जो दूध है कृष्ण थोड़ी देर बाद में पी सकता है। अगर ये दूध उतल करके आग में गिर पड़ा फिर से मलाई नहीं। और बताया अगर दूध उफन करके अगर चूल्हे में गिर पड़ता है ना, कहते बच्चे का अमंगल होता है, बच्चा का अमंगल होता है बच्चा का। इसलिए मैया ने बोले भैया थोड़ी सी रुक जा, थोड़ी सी रुक जा, तेरे को अभी मैं कृष्ण सेवा में लगाऊंगी, कृष्ण सेवा में तेरे को मैं लगाऊंगी। इतने में जैसे बंदर का बच्चा होता है ऐसे एकदम बंदर को पकड़ करके रखता है, ऐसे एक कृष्ण जोर करके मां को पकड़ लिया। बोले मेरे को दूध पिला करके जाया कर। बोले तू उतर कर नहीं। बोले नहीं। बोले उतर कर नहीं कैसे? जोर जबरदस्ती कृष्ण को पकड़ के उन्होंने वहां पर बैठा दिया। कृष्ण चुप के चुप हो गए। जब चुप हो गए इतने में मैया जब दूध रखा करने के लिए गए, आप देखना बच्चों को जब क्रोध आता है ना, सामने जो कुछ मिले सबके सब तोड़ फोड़ कर देता है। बोले मैं दिखाऊंगी कितने तू दूध को रखा करोगी, हैं? कितने दूध को तू बचाओगी, अभी मैं दिखाता हूँ। कृष्ण जो इतना बड़ा मटकी था ना, मैया जिसमें दधि मंथन कर रहे थे, बोलिए मटकी को पूरा के पूरा मैं पलट दूं। लेकिन कृष्ण था वो छोटे बच्चे, उन्होंने पकड़ करके हिलाया, लेकिन हिलाया देखा वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, उन्होंने उठाया पत्थर और मार मटकी में, मारे तो मटकी फूट गई, बन गया था सब मट्ठा छाछ निकलने लगा। कृष्ण खुश हो रहे, बोले मैं बहुत बड़ा काम कर दिया। बोले क्या? बोले मटकी फोड़ दी। इतने में कृष्ण को याद आया
मैया आई ना एक डंडा नीचे नहीं सब प्रेत को भर पड़े। फिर कृष्ण वहां से दूसरे घर में भागे, कहते उखल को ऊपर में खड़े हो गए और छीके को ऊपर से मक्खन को उतारे, जितने कौवे और बंदर को बुला ले, भाई इधर आ जाओ कौवे बंदर इधर आ जाओ। कौवे और बंदर को मक्खन खिला रहे थे, बोले क्यों? बोले ये बंदर कौन है? बोले श्री हनुमान की वंशधर। बोले राम अवतार में तुम लोग को मैं दूध खिलाया नहीं, वन से जंगल से अपने आप फल खाए और मेरे लिए तुम लोग ने युद्ध किया है रावण के साथ में, अभी कृष्ण अवतार में तो कुछ कुछ खिलाना नहीं रहा अब मक्खन का। बोले ये कौवे कौन है? बोले ये काक भुसुंडी के प्रसिद्ध है। काक भुसुंडी कौन है? जो भगवान राम की कथा सुनाता है। जो मक्खन का, इतने में मैया जब थोड़ी देर में आती है ना, देखती है सारे मटकी फूटी हुई है, सारे दूध दही से मट्ठा से घर फैला हुआ, इतने में देखा मटकी फूटी हुई। बोले ये मेरी सास के समय की मटकी और कितने घी पी पी करके मजबूत हो गया था। आप लोगों ने कभी घर में मिट्टी की पात्र व्यवहार किए होंगे? किया हो मिट्टी का पात्र? कौन कौन किए हो? किए ना। आप देखना उसमें कितने दधे वधे इतना दूध दही रखते हो, वो मटकी उतना मजबूत बन जाती है। घी पी के अगर मक्खन पी पी करके वो एकदम चिकनाई हो जाती है और मजबूत हो जाती है। पहले पीतल सिल्वर स्टील कुछ नहीं होता था, पहले सारे काम मिट्टी की पात्र होते और मिट्टी की पात्र में जो खाना बनती है ना उसमें बड़े स्वाद आता है। हाँ, उसमें बड़ी स्वाद। अब तो गैस हो गया, अब कंडा में कोई मिट्टी के पात्र में कोई भी सब्जी दाल बनाओ देखना उसमें अलग स्वाद है। जैसे कंडे में जैसे आप रोटी बनाओ हाथ की कितनी बढ़िया लगती है, बढ़िया लगती है ना। इसलिए पहले ये सब चीज थी ना, इसलिए किसकी शरीर में बीमारी नहीं होती है, क्योंकि प्योर चीज खाते थे और शरीर हेल्थ एकदम बढ़िया रहते थे, बढ़िया हेल्थ रहती थी और घर का सब अपना हाथों में सब काम करती थी, इसलिए शरीर में बीमारी नहीं। अभी क्या है, सब मशीनें आ गई, मसाला भी मशीनें पे, कपड़े भी मशीनें धो दो है और प्रेशर कुकर में सारी चीज सीटी लगा दो, इसलिए सब स्वाद खत्म हो गई और जब बीमारी आ गई सब सारी बीमारी आ गई। इतने में मैया ने देखा ये कितने घी पी पी कर कर ये हो गया था मजबूत और तुमने ये मटकी फोड़ दी। बोले तेरे को मुझे दंड मिलनी चाहिए, हाँ तेरे को मुझे सजा मिलनी चाहिए। देखो ना, चोरी जब चोरी करने जाता है ना, चोरी जब चोरी करके जाता है तो कुछ ना कुछ चिन्ह छोड़ कर जाता है, जिसको सियाई जो चिन्हों को देखकर पकड़ लेता है वो तो मक्खन हाँ मटकी तो फोड़े लेकिन उनको प्यार में भी ये दही लगा हुआ था। कृष्ण जब धीरे 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 चल रहे थे, उनका चरण का जो छाप है ना वो बढ़ते बढ़ते चरण का छाप भी है। इतने में मैया ने एक उठा लिया डंडा, डंडा उठा करके मैया अभी कृष्ण को पीछे 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 चल रहा है, गया ना देखो फेर क्या कर रहा है, मक्खन निकाल करके है कहते मक्खन निकाल करके फेर क्या कर रही है, बंदर और कौवे को खिला रहा है। फेर तो मैया को क्रोध आ गया, खुद खाए तो कोई बात नहीं, इतना कष्ट करके मक्खन निकालती हूँ और कोई बंदर को खिला रहे मैया को बड़ा क्रोध आ गया। बल इसको तो कुछ सजा मिलनी चाहिए, इसको सजा माता जी के बच्चे को बहुत मिले नहीं तो घर में ले जाओ, फिर बच्चे को तुम घर में लेकर चले जाओ, यहाँ से कथा सुनोगे नहीं दूसरे को भी सुनने नहीं कभी, तो आज ये भी सुनने आएगी नहीं, ये सुनने नहीं वो सुनेंगे नहीं, तुम्हें भी सुनने नहीं देंगे और दूसरे को भी सुनने नहीं देंगे। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। इसलिए मैया जसोदा की हैं धीरे 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 पीछा कर रही थी और एक एक कौवे और बंदर ना धीरे धीरे खिसक रहे थे। कृष्ण बोले ये कौवे बंदर क्यों खिसक रहे थे? इतने में पीछे मोड़ करके देखा मैया पीछे खड़ी हुई अभी अभी पकड़ने वाले, इतने में कृष्ण छलांग लगाए और जो मेन रोड में निकले गए। बोले मेन रोड में क्यों निकले गए? पर पहले माता ही घर से कोई भी बाहर नहीं निकला करती थी, घर को अंदर में रहा करती थी।
लेकिन मैया कृष्ण को पता ये तो घर की बहू है, ये तो घर से बाहर जाएगी नहीं, घर में क्या करूंगा मैं, बस भाग जाऊंगी। लेकिन उसी दिन था दीपावली, दीपावली का दिन इतने गोप लोग थे, सबके सब दीपावली बनाने के लिए गए थे, कोई भी ब्रज में थे नहीं। इतने में भैया बोले तू कहाँ जाओगे हैं, तू मेरे कोख से जन्म लिया ना, सोच रही हो भैया बाहर नहीं निकलेगी आज कोई पुरुष नहीं, आज तेरे को मैं पकड़ करके ही रहूंगी। मैया को डंडे लेकर के सीधा कृष्ण को उन्होंने बिछा दिया हैं, सीधा उन्होंने कृष्ण को बिछा की, और मैया जैसा पीछा कर रही है, कृष्ण एकदम भाग रहे। कृष्ण अभी कृष्ण तीन साल के, कृष्ण अभी तीन साल के कृष्ण, अभी मैया उनको पीछे 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 भाग रही है। जब मैया थोड़ी सी भागने लगी ना, इतने में मैया तो थोड़ी थोड़ी मोटी सी, इतने में मैया हाँपने लग गई हैं। कृष्ण सोच रहे मैया को कहां तक मैं भगाऊं, मैया ने उठाया डंडा, बोले लाला खड़ा होता कि नहीं देख, मेरे हाथ में लठिया देख रहे हो, अभी फेंकू अभी तेरे को। इतने में कृष्ण ऐसे करके खड़े हो गए, बोले भैया मैं तो खड़े ले जाऊंगा लेकिन तेरे हाथ से लठिया है, पहले लठिया। मैया बोली तेरे को मारूंगी नहीं, तेरे को पूजूंगी, तेरे को पूजूंगी। कभी बच्चों को पूजा की नहीं बचपन में, पूजा करते थे कभी कभी हैं, इसलिए आपको पता होगा बच्चों को कैसे पूजा करते हैं। कभी अगर बदमाशी करे बच्चे मैया कैसे पूजा करती है। इतने में कृष्ण तो खड़े हो गए और मैया जाकर के कृष्ण को पकड़ लिया, बोले सही बताओ ये मटकी फोड़ी किसने, बोले सही बताओ ना झूठ बताओ, बोले झूठ क्यों सही बता दे मटकी फोड़ा किसने, बोले भैया तुमने जब दूध रखा करने जा रहे थी प्यार में तुमने जो ये कौडूले पहन करके रखी ना, ये कौडूले से ये मटकी फूट गई। मैया बोली खुद मटकी फोड़ करके मेरा ना कर रहा, बोले ये बताओ ये बंदर कौवा को किसने दूध मक्खन किसने खिलाया, बोले जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले बड़े बड़े बात करता है, हैं? बोले तू बहुत बड़ा चोर हो। कृष्ण बचपन में उन्होंने सुना था उनको एक मामा थे जिसका नाम था चोर भोग, जिसका नाम था चोर भोग था। बोले तेरे वंश में कोई चोर होगा, मेरे वंश में कोई और नहीं, मैं तो नंद बाबा का ही बेटा हूँ, मेरे बाबा तो साहूकार है, मेरे बाबा तो राजा है मेरे बाबा। मैया बोली पता नहीं ये बचपन में किया कहाँ से सुन करके रखा है सब बात हैं। इतने में बोले तू बंदर का दोस्त हो, बोले मैया अगर मैं बंदर का दोस्त हूँ ना मेरे को छोड़ दे, मैं तो जंगल में बंदर को साथ में रहा करूंगा, फिर तेरे घर में मैं नहीं रहूंगा। देखना बच्चों को जो क्रोध है ये बच्चों को बाहर निकाल दे, ये बच्चों को बाहर निकाल दो, बच्चों ये बच्चों बाहर निकाल दो, जा बाहर जा, ये बच्चों से बाहर निकल, अभी आप बाहर जाओ, बाहर जाओ सब। जब प्रसाद देंगे तब आना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतने में मैया यशोदा, मैया यशोदा क्या करते हैं, मैया यशोदा इतने में मैया की तो अभी बड़ा क्रोध है। बच्चों का जब क्रोध होता है ना, आप देखना जो दिमाग में आता है वही कर करते हैं। बोले कितने कष्ट से कितने तपस्या करके एक घर में बच्चा हुआ, अगर ये सचमुच से जंगल चला जाए तो फिर क्या हो। बोले बच्चों का क्रोध देखना जल्दी क्रोध और आती और जल्दी दिमाग ठंडा हो जाता है। बोले थोड़ी समय के लिए इसको मैं उखल में बांध करके रख लेते हैं, दिमाग ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं तोड़ दूंगी। इतने में मैया अपना चोपड़ी से एक रस्सी को निकाल, रस्सी को निकाल करके बोले तू खाल और ये उद्दू खाल, दोनों मिल करके तुम दोनों ने मक्खन चोरी की, आज तुम दोनों को मैं बांध करके, ये दोनों को मैं बांध करके रखूंगी। इतने में मैया जब बांधने के लिए गई उसमें
उसमें काम पड़ गया। भैया अभी और एक रस्सी ले आ, फिर जब बांधने के लिए गई फिर तो हम लोग काम पड़ गया, पूरा ब्रज का सारी रस्सी समाप्त हो गई। लेकिन जो दो अंगुल है ना उसी सही तो दो अंगुल पूरी नहीं पड़ी है। इतने में मैया ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए, ठाकुर जी तू मेरे लाज को बचा। सवेर से शाम तक इसको पीछे पीछे मैंने समय बदला दिया लेकिन बंधन में नहीं आ रही। जब मैया ने शरणागति हो गई भगवान की कृपा करके उन्होंने बंधन ठाकुर जी ने स्वीकार किए, ठाकुर जी स्वीकार किए। देखो इसमें दो अंगुल कम पड़ता था, कितना बोले इसमें दो अंगुल क्यों कम पड़ता था, तीन क्यों नहीं, चार क्यों नहीं, तो इसमें बड़ी रहस्य बताए। ध्यान देकर सुनो, अभी तुम ध्यान देकर सुनो, में दो अंगुल क्यों कम पड़ता था, इसका कारण क्या है, इसका कारण बताया। पहला जो अंगुल है, जब कोई साधक भगवान को पाने के लिए चेष्टा करता है, ठाकुर जी हमें कैसे मिले, ठाकुर जी हमें कैसे मिले, ठाकुर जी कैसे मिले, हैं? जब वो साधन करता है, हैं? रोज आना, प्रभु का भजन करना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, बैठ करके भगवान की नाम को जप करना, हैं? जब वो साधन करता है कठोर, ये पहला अंगुल है। अगर खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे मस्ती रहेंगे फिर क्या भगवान मिल जाएंगे, नहीं तो ऋषि लोग पूजा करके तपस्या करते थे, बाद में क्या है, माता जी को बच्चे को छोटी बच्ची को गोद में लेकर बैठो, ऐ पीछे जो माता जी है, नहीं तो उसको लेकर घर चले जा, ये तुम्हें भी सुनने नहीं देगी और खुद भी सुनेगी नहीं, इसलिए इसको लेकर घर में चले जाओ, घर में लेकर रख लेना, जाओ उसको घर में ले जाओ, ये खुद सुनेगी नहीं और सुनने नहीं देगी, ले जाओ घर में। और जो जो बच्चे लाए ना सबके सब गोद में बैठा कर रखो, ऐसे नहीं तो सुने नहीं और दूसरे को भी सुनने नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, सुना हरे कृष्ण। इसलिए अभी मैया यशोदा ने क्या की, कन्या को उन्होंने ठाकुर जी की चरण में शरणागति हो गई, ठाकुर जी मेरे लाज को तुम बचाओ। इसलिए दो अंगुल क्यों कम पड़ता था, पहला अंगुल था हम कैसे प्रभु को प्राप्त करें, दूसरे अंगुल था भगवान की कृपा, ठाकुर की कृपा। जैसे देखो जैसे बच्चा सो रहा है, मैया घर की काम कर रही है, मैया की काम कर रही है, देखना जब थोड़ी सी बच्चा रोता है ना नींद खुल जाए फिर भूख लगता है, सोचता है मैया मेरे को दूध पिलाई, फिर बच्चा क्या कर थोड़ा रोता है, शायद मैया मेरे को गोद में उठा करके ले जाए, लेकिन मैया तो घर की काम कर रही है, बोले ब्रदर थोड़ी सी बंद हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा मैया नहीं आती है बच्चा और बढ़ जाता है, मैया सोचती है अभी खाना हो जाएगी फिर बेटे को मैं दूध पिला दूंगी, फिर बच्चा जब देखता है मैया आई नहीं रही है तो बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता, फिर तो जमीन पर लौट मोड़ खाने लगता, फिर मैया क्या करती है वहीं पर सारे काम को छोड़ कर बच्चे को गोद में ले लेती है। उसी तरह जब तक हम रोएंगे नहीं ना तब तक ठाकुर का हृदय दर्द नहीं होगा। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे रोना सीखो, क्या सीखो, रोना सीखो। जब तक बच्चा नहीं रोता है मैया जी से दूध नहीं लाती है, जब तक तुम नहीं रोगे ना ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर भी कृपा नहीं करेंगे। ये सफर फूट करके नहा धो करके ठाकुर के सामने बैठो माला लेकर, ठीक है ना, अब बैठ करके एक बार हाथ उठाओ बोले हरे कृष्ण कृष्ण को उन्होंने बांध दिए। जब बांध दिए
बोले सवेरे से शाम तक तेरे पीछे सारे समय लगे, घर का सारे काम सब बिखरा होकर पड़ा था, अभी घर का कोई काम नहीं है, तू ये पर बंदे पड़ रहे, अभी मैं घर का काम करती हूँ। इतने में कृष्ण के सखा लोग आने लगे, तू बंधन में आ गई। हाँ बोले भैया छोड़ो हम खेलने जाएंगे, लेकिन सखाओं ने खोलने के लिए कोशिश की लेकिन खोल नहीं सके। बोले क्यों नहीं खोल पाए? बोले कृष्ण को थोड़ी कोई बाहर जा सकते हैं, भगवान तो दुनिया विश्व ब्रह्मांड का मालिक ही है, फिर उनको थोड़ी कोई बात सकता है। बोले कैसे उनको बात पाओगे? केवल प्रेम से, भगवान केवल प्रेम से ही भगवान बन जाते हैं, नहीं तो भगवान को कोई बांध नहीं सकते। इसलिए सखाओं ने खोल नहीं सके। सामने देखा दो वृक्ष है, एक जमत अजन वृक्ष है, जमत जो वृक्ष है अजन वृक्ष, ये पूर्व जन्म में नाल कुबेर और मुनिगिरी ये दोनों कुबेरे के दो बच्चे थे। एक दिन ये दोनों शराब पी करके स्वर्ग के अवसरियों को लेकर के नंगे होकर के जल विहार कर रहे थे, और नारद जी उधर से होते हुए जा रहे थे, और नारद जी को देख रहा दूर से, जो स्त्रियां थी जल से निकल आए, शरीर से कपड़े ढक करके पेड़ को आड़ में खड़ी हो गई। लेकिन ये जो दो थे ना, नारद जी को तो आंख फाड़ फाड़ देख रहे थे। बोले बाबा का कोई बुद्धि है नहीं, कोई रास्ता नहीं था तेरे को, इधर ही रास्ता मिली, और हमारे रंग में तुमने भंग कर दी। नारद जी ने देखा, देखो कहां स्वर्ग गए, अब कुबेर जो भगवान की भक्त उनका बेटे होकर के देखो कितने गंदे का शराब पी करके नंगे होकर के जल दिया। फिर कोई साधु आ गए और आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, अभिशाप दे दिया, बोले जाओ तुम नंगे है ना, ऐसे जैसे वृक्ष नंगे रहते हैं ऐसे ही तुम वृक्ष जनियों को प्राप्त करो, नंगे ही रहो हर समय। इतना बोलते हुए प्यार से धीरे 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 वो वृक्ष होना शुरू हो गई। इतने में उनका जो नशा थी ना सब उतर गया, सारे नशा उतर गया। फिर उन्होंने निकले, नारद जी को चरण में प्रणाम किए, बोले बाबा हमें अपराध को माफ कर दो, सब तो बड़े दयालु हैं। बोले ठीक है जाओ, तुम लोग वृक्ष बनोगे, लेकिन कहाँ वृक्ष बनोगे? बोले वृंदा गोकुल में वृक्ष बन कर रहोगे, और कृष्ण जब द्वापर युग में जब कृष्ण आएंगे बस कृष्ण तुम्हारे उद्धार करेगा, चरण स्पर्श से शक्ति मिलेगी। नारद जी बोले, अभी नारद जी भक्त, अभी भक्त का वाक्य रक्षा करना पड़ेगा। इसलिए भगवान क्या किए, अपना उठन पर धीरे 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 चलने लगे। चलते चलते वो जो जमल जमज वृक्ष था उसको बीच से होकर के जब प्रभु निकले, अभी वो खल अटक गया, और थोड़ी सी ताकत लगाया ना, ये दोनों वृक्ष दोनों तरफ से बड़े जोर से गिरे, इतने जोर से गिरे जैसे लगा जैसे वज्र गिरा गया, और वो दो वृक्ष से नाल कुबेर और मुनि गिरी, ये दोनों ब्राह्मण निकले, दोनों देवता निकले, और नारद जी को उन्होंने प्रणाम की और उन्होंने परिक्रमा की। बोले हे प्रभु आप हम लोगों पर में कृपा करो। बोले क्या कृपा करो? बोले बाणी गुणा कथा जी कथी, जो बाणी है जैसे तुम्हारे कीर्तन में लगे। बोले करो, बोले दोनों हाथ जैसे ठाकुर जी की सेवा में लग जाए। बोले ये सर को क्या करे, ये सर को ठाकुर जी की संतों के चरण में जैसे ये सर को झुका दे, और प्यार से तुलसी परिक्रमा मंदिर परिक्रमा करें, इसलिए इतना कृपा करो जैसे ये शरीर भगवान की सेवा में लग जाए। अगर कोई भगवान की भक्तों को अगर दर्शन करे ना, जैसे जो सर है उनके चरण में जो ये सर हमारी झुक जाए। अभी उन्होंने प्रार्थना करते हुए हैं, फिर ये दोनों चले अपना लोक में, ये चले गए। ये दोनों जब चले गए, इतने में सारे ब्रजवासी लोग इकट्ठे हो, इकट्ठे होकर के नंद बाबा देखा ये दोनों वृक्ष गिरे हुए और कृष्ण बीच में फंसे पड़े। नंद बाबा जल्दी जल्दी आए, आप सब मेरे तरफ में देखो क्या किधर देख रहे हैं, कोई एक माता है ना, सब सब कथा सुनना भूल जाते हैं, कौन कैसे साड़ी पहन के आए, कौन कैसे सूट साल पर पहन के
का सब भगवान की कथा सुनना भूल जाते हैं, जैसे जीवन में कोई देखे नहीं। भले से वृंदावन कथा सुन हरे कृष्ण। इसलिए क्या कहते श्री इन्हें नंद बाबा आ गए और उन्होंने देखा कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में फंसे पड़े हुए। अगर ये पेड़ थोड़ी सी इधर उधर हो जाता कृष्ण खत्म हो जाता। नंद बाबा जल्दी जल्दी आए और जो गांठ पड़ा हुआ था ना उन्होंने खोल दिए और पकड़ से एक लड्डू निकाल करके कृष्ण को दे दिया और कृष्ण रोने लग गए। इतने में नंद बाबा ने पूछा कन्हैया ये बताओ तुमको बांधा किसने? बोले मैया ने। बोले तुमको खोला किसने? बोले बाबा ने। बोले खूब मैया मैया करते हो, बताओ किसको पास में रहोगे? बोले और मैया के पास में नहीं रहूंगा तो मैं बाबा के पास में रहा करूंगा। मैया अगर हर समय मारती है शासन करती और बाबा मेरे को ज्यादा प्यार करते हैं, मैं तो बाबा के पास में रहूंगा। इतने में नंद बाबा मैया दशदा को बड़े डांट लगा। बोले एक दो मटकी तो पड़ा और तो कोई बात नहीं, इन्हें बड़ी सजा और इतने कष्ट से एक लाला मिला है। अगर अकबर जाता तो क्या होता? लगता है तेरे को मटकी और दूध दही में ना ज्यादा आ सकती, तू ये दूध दही और मटकी लेकर के रहा कर, मैं तो कृष्ण बलराम को लेकर तीर्थ जा रहा हूँ। इतने भैया जसोदा तो बड़ी दुखी हो गई। बाबा कृष्ण बलराम दोनों भाई को लेकर के ब्रह्मा के घाट में गए, दोनों बच्चे को स्नान कराया और धारस में दूध, धारस में दूध जानते हो जब दूध निकालना गैया की एकदम गर्म गर्म रहता है, पिए के उस समय वो दूध गर्म रहता है और उसमें मिश्र मिला दो और भी टेस्ट हो जाता है, हैं? उसमें धारस में दूध में मिश्र मिला करके नंद बाबा दोनों बालों को मिला दी और शाम को लेकर घर में आए। घर में लड़ाई हो गई थी, नंद जसोदा में लड़ाई हो गई, घर की एक कोड़े में मैया बैठ करके रो रही थी दुखी होकर के, मैंने क्यों आज ये लाला को बांध दिए, मेरे हाथों में ये कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया। मैया बड़ी दुखी होकर के बैठ हुई रो रही है। नंद बाबा घर के एक कोड़े में बैठे हुए कृष्ण बलराम दोनों भैया को गोद में लेकर के। अभी घर में लड़ाई हो गई, अगर घर में दो व्यक्तियों का लड़ाई हो जाए ना फिर क्या होता है, तीसरा व्यक्ति लड़ाई को खत्म। घर में तीसरे व्यक्ति कौन है? बोले माता रोहिणी। माता रोहिणी की तीसरी व्यक्ति है। इसलिए अभी रोहिणी ने देखा अगर कृष्ण को नंद बाबा से लेकर अगर जसोदा मैया की गोद में छोड़ दिया जाए ना ये घर का जो लड़ाई है वो लड़ाई शांत हो जाएगा। इतने में रोहिणी श्री बलदेव प्रभु को बोले बोले काम कर। बोले क्या? बोले कि कृष्ण को नंद बाबा गोद में लेकर के रोहिणी गोद में इसको छोड़ दो फिर लड़ाई शांत हो जाएगी, लड़ाई ये शांत हो जाएगी लड़ाई। इतने में बलदेव प्रभु भाई कन्हैया कन्हैया चल मैया की गोद में चल। जब कृष्ण को हाथ पकड़े ना कृष्ण तो बड़े क्रोध में थे, उन्हें झटका मारा और दाव दिया तो उधर गिर पड़े। रोहिणी बोली क्यों लाला कन्हैया तू मैया के पास में नहीं जा? मैया मेरे को मारती रहती है, बाबा मेरे को ज्यादा करते हैं, बाबा मेरे को मारते नहीं, हम तो बाबा के पास में रहूंगा। बोले ये बताओ दूध तो बाबा के पास में नहीं मिलेगा ना, दूध तो भैया के पास में मिलेगा, दूध कहाँ से पियोगे? बोले बाबा हमें धारस न दूध में मिश्र मिला के पिला देंगे। बोले सो गए क्योंकि जब तक कृष्ण माँ की गोद में नहीं सोते उसको नींद नहीं आती, ये बच्चों का आदत है। बोले किसकी गोद में सो गए? बोले बाबा की गोद में सो जाऊंगो। बोले खेलोगे किसको साथ में? दाऊ भैया के साथ। बोले बाबा के पास माँ के पास नहीं? बोले नहीं माँ के पास नहीं जाऊंगा मैया के माती है। रोहिणी बोली अगर तुम माँ के पास में नहीं जाओगे ना मैया अगर ऐसे हो गए तो मतलब अगर मैया मर जाएगी फिर क्या करोगे? जब कृष्ण सुने मैया मर जाएगी अगर मैं नहीं जाऊंगा फिर तो कृष्ण को रहा नहीं गया, फिर मैया पिताजी की गोद से खड़े होकर के आ, 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 करते करते सीधा मैया की गोद में लेट गए और मैया ने कृष्ण को गोद में बाकर को भी रोना शुरू कर दी। और वहां पर जितने लोग जो दर्शन कर रहे थे सब सबको देखकर रोना प्रारंभ कर दी। इसलिए हमारे सत्य व्रत ऋषि कहते हैं
प्यारी प्यारी प्रभु लीला करते हैं। जब कृष्ण ये अर्जुन वृक्ष को तोड़ दिए, जितने सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, एक मीटिंग की, बोले देखो अब हम ये गोकुल में नहीं रहेंगे। बोले क्यों? बोले पहले तो अघासुर बकासुर त्रिनावर्त सकटासुर बिछड़ गए थे, अब ये जो वृक्ष है ना ये आसनिया को टूट करके लाला के ऊपर में ये वृक्ष भी गिरना शुरू कर दिया। लगता है ये जो गोकुल है ना ये हमारे रहने का लायक नहीं रहेंगे, इसलिए हम गोकुल छोड़ करके और कहीं चले जाएंगे। जो सबसे जो वृद्ध गोप था जिसका नाम था उपानंद, उपानंद को देखो ये पास में ये वृंदावन है, बड़े सुंदर जहां यमुना कलकल पास यमुना नदी रही, बाप गया खाने के लिए बड़े सुंदर घास है, बच्चों को खेलने के लिए बड़े सुंदर मैदान है, बड़ा सुंदर वृंदावन धाम है। इसलिए कहते हैं ना मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाए Yeah.
सारे ब्रजवासी बैठे हैं मीटिंग की, चलो हम वृंदावन चलते हैं। ये गोकुल में और नहीं रहेंगे, वो पास में जमुना का उस पार में वृंदावन। वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए हो? कौन कौन गए? हाथ ना, कोई हाथ नहीं मिला, कोई वृंदावन नहीं गए हैं। गए हो सब के सब? तुमने वृंदावन नहीं गए? हरे भगवान, आप यहीं के होकर के वृंदावन नहीं गए? हरे भगवान, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी सबके सब ब्रजवासी गैया को लेकर के सबके सब वृंदावन चल पड़े। और एक बैलगाड़ी में मैया यशोदा रोहिणी कृष्ण बलराम ये चारों बैठ गए। अभी कृष्ण का उम्र है 3 साल 2 महीने। अब देखना बच्चों का जो स्वभाव होता है, सामने जो चीज देखे ना वो प्रश्न करते रहते हैं। जब बड़ी दूर गए एक बरगद का पेड़ देखे, बोले मैया मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें सब दाही है? बोले लाला ये बरगद का पेड़। बोले मैया ये कौन सा पेड़ जिसमें सारे पत्ते हिल रहे हैं? बोले ये पीपल का पेड़ है। बोले मैया मैया देख कितने सुंदर पक्षी है, बोला है। बोले मैया ये कौन सा चिड़िया है? बोले लाला ये कोयल है। बोले मैया मैया देख कितने सुंदर क्रिया है, सारा शरीर में चित्रकारी है। बोले मैया ये कौन है? बोले ये मोर है। बोले मैया एक का तो पूछ है और एक का पूछ नहीं, ये क्या है? बोले जिसका पूछ है ना कहती ये पुरुष है और जिसका पूछ नहीं ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे हैं? बोले जो बिना पूछ वाली ये पूछ वाला का ये बोल। और थोड़े दूर गए, बोले मैया कितने सुंदर देख जानवर शरीर में बड़ी चित्रकारी है। बोले मैया ये कौन सा जानवर? बोले लाला ये भैया एक का सींग और एक का सींग। बोले ये क्या है? बोले जो सींग नहीं पुरुष है, जो सींग नहीं है स्त्री। बोले भैया एक दूसरे को क्या लगे? बोले जो बिना सींग वाले की जो सींग वाला इसकी पति और इसकी बहू है। बोले भैया सबकी बहू मेरी बहू का है, इसलिए भैया मेरे लिए भी एक बहू ला दे। मैया कहती लाला कोई चिंता मत कर, वृंदावन में चल, फिर तेरे लिए एक सुंदरी बहू ला दूंगी। बोले नहीं अभी आ दे, नहीं तो मैं यहाँ से चलूंगी नहीं, मेरे लिए बहू ला दे। कृष्ण इधर मचल गए ना, और जितने बड़ी बड़ी गोपियां थी ना सब घूंघट उतार कर वहां बैठ गई। बोले अपना बहू को छांट ले, जिसे या तो छांट ले। बस कृष्ण एक को बोले ये मेरी बहू, ठीक है ये तेरी बहू, अभी तो वृंदावन चल। ऐसे ही कृष्ण बलराम सखाओं को लेकर के जमुना पार करते हुए वृंदावन में आए। बोले कहाँ रुके? बोले छठी करा। आप लोग वृंदावन गए होंगे, जिधर से मोड़ती है ना वृंदावन की, वो छठी करा है। बोले छठी करा नाम क्यों पड़ा? बोले वहीं पर उन्होंने छठी पूजन की और सकटम अर्धकटम जो बैलगाड़ी थी उसको उसको कहते सकट है, इसको अर्धचंद्र करके जिधर से हवा आती है उस तरफ अर्धचंद्र करके उनकी बैलगाड़ी बड़ा बड़ी बड़ी होती थी। वही सोना रहना सब उसे नहीं क्या कहते थे, सारे काम वही करते थे। अभी मुझे नहीं, अभी कृष्ण हो गए 4 साल। एक दिन कृष्ण बलराम ने बोले पिताजी आप तो बड़े बड़े हो गए हो, अभी हम आपके बच्चे जवान हैं। अगर बच्चे जवान और पिता का बड़े बड़े हो गए काम करते हैं दुनिया में क्या बोलेगा? देखो बच्चे घूम रहे हैं आवारा हो गए और बुरा काम कर रहे हैं, सारा दुनिया में बदनामी हो। पिताजी आप घर में रहो, भजन करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, हम दोनों भैया अभी काम करते आएंगे। देखो ध्यान देंगे सुनो, अगर घर में बच्चे अगर पिता माता को ऐसे बोलते हैं बताओ पिता दिल कितना बढ़िया लगेगा। बोले देखो मेरे बालक कितने अच्छे है। देखो कहते हैं पिताजी आप घर में बैठो आप भजन करो, हम दोनों हम काम करेंगे, आप क्यों काम कर रहे हो? पिता माता खुश हो जाएंगे ना। पहले दुनिया में यही हुआ करता था, सारा हैं बच्चे जब बड़े हो जाते थे घर का काम संभाल लेते थे और पिताजी माताजी घर बैठे की गीता भागवत पढ़ना भगवान के भजन करना यही करते थे, सब यही करते थे। पहले ये टीवी भी नहीं हुआ करता था, ये टीवी ना दुनिया को बिगाड़ दिया, ये दुनिया को बिगाड़ दिया टीवी इंटरनेट
पहले सबके सब गीता भागवत रामायण यही पढ़ते थे, इधर उधर मन नहीं लगाया करते। मैं ठाकुर जी के चरण में लगता था और बैठ करके माला लेकर क्या करते थे, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा साल के, जब आठ नौ साल के हो गए लगते थे 500 साल।